हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया 24 तारीख को हरियाणा कांग्रेस की विभिन्न बैठकें लेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक बीबी बत्रा साहब हैं, उनसे जानेंगे सर किस तरीके से ये जो पहली ये कह सकते हैं कि एक बैठक जो है नवनियुक्त जो प्रभारी हैं वो लेने जा रहे हैं, क्या क्या बैठकें होंगी और क्या एजेंडा रहेगा। राजनीतिक गतिविधियाँ काफ़ी बढ़ी हुई हैं सभी पार्टियों की, चाहे वो JJP हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। उसमें नए प्रभारी आए हैं, पहले शक्ति सिंह जी ने भी कुछ टाइम पहले मीटिंग ली थी हमारी, उसमें भी बूथ लेवल की से लड़ाई लड़ने की बात की थी, एक रूपरेखा बनी थी और एक मैराथन मीटिंग लेने का प्रपोजल है। दीपक बाबरिया जी वो हमारे नए प्रभारी नियुक्त हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी नियुक्त हुए हैं और संगठन का गठन भी लंबे समय से पेंडिंग है, उसको भी जल्दी होना चाहिए क्योंकि प्रभारी नए आए हैं तो कुछ समय और लेगा, नहीं तो पहले तो फाइनल स्टेज पे भी था भी कभी भी गठन संगठन का गठन हो सकता है। तो इसलिए अच्छी बात है, एक अच्छा स्टेप है कि एक लोगों से सभी जो PCC के मेंबर्स हैं, MLAs हैं, XMLAs हैं और भी संगठन के जो प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उनसे वो फीडबैक 1-to-1 कर मिलेंगे और एक अच्छा मैराथन मीटिंग करेंगे कि प्रदेश के अंदर कैसा माहौल चल रहा है और कांग्रेस को किस रूपरेखा के साथ लड़ाई आगे लड़नी चाहिए और कैसे सबको मिलकर इस मुकाबला करना चाहिए और लोगों का जो मूड है इस टाइम वो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में है लेकिन सर ये माना जाता है कि कांग्रेस की सबसे पहली दुश्मन कांग्रेस ही है, अपने नेता ही गुटबाजी करते हैं, अलग अलग जो राय है उनकी देखें। ऐसी कोई नहीं है, चुनाव थोड़ा भला तो हम कह सकते हैं इस बात के लिए कि परिवार बड़ा है, थोड़े से बर्तन कई बार खटक जाते हैं या बच जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। सबका लक्ष्य कांग्रेस को पावर में लाने के लिए है और सभी नेता आपस में अपने में मतभेद भुला कर और कांग्रेस के लिए करेंगे। असल में तो मतभेद कांग्रेस में कोई वो तो है नहीं आपस में, पर फिर भी यही प्रयास रहेगा और सबको कांग्रेस पार्टी में आएगी, पावर में आएगी तभी सभी का वजूद रहेगा, तभी सभी की वैल्यू रहेगी। सत्ता में नहीं आएगी तो आप नेताओं को कैसे समझाएंगे सर आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नेता कांग्रेस के लिए सीरियस ही है सारे। हर एक इस तरह का छोटा मोटा डिफरेंसेस तो हर एक पार्टी के अंदर है, हर एक पार्टी के अंदर है, क्या BJP के अंदर नहीं है, क्या JJP के अंदर नहीं है। तो सर अपनी 10 लोकसभा क्षेत्रों में रैली कर रही है, अपना पन्ना प्रमुख तक उन्होंने जो संगठन है वो बना दिया, ये दावा कर रही है हमारा सबसे बड़ा। हम लोगों के घर घर तक जा रहे हैं, पन्ना प्रमुख क्या मीटिंग करेंगी जो हमारा, आप विपक्ष आपके समक्ष देखो कितना हमारा तो कार्यक्रम रैली में प्रतीत होता है है। इवन अब हमने अपना जन मिलन का कार्य शुरू किया है, पहले इसको सम्मान समारोह का प्रोग्राम दिया गया था रोहतक में, वह हुआ, मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद कुरुक्षेत्रा में हुआ, पानीपत में हुआ, अब करनाल के अंदर होगा। तो ये जन मिलन का कार्यक्रम सभी ज़िलों पे होके ये बहुत ही काफ़ी लोगों का रिस्पांस आ रहा है और लोग इस टाइम परिवर्तन के बड़े ज़बरदस्त मूड में हैं। संगठन ना होना सर आप मानते हैं बड़ी समस्या? संगठन बनना चाहिए, जल्दी बनना चाहिए, काफ़ी लेट हो गया है, पिछले 7 साल से संगठन नहीं है, उसमें पार्टी को नुकसान हो रहा है। पर मैं ये अनुरोध करूँगा हाईकमांड से और साथ में ये आशा भी करता हूँ कि संगठन का गठन बड़ी जल्दी हो जाए। चर्चा सर सियासी गलियारों में है संगठन को लेकर के, आपसी जो गुट है उनकी जो लिस्ट है उसको लेकर के बात अटकी हुई है, कितनी सच्चाई है? ऐसे है कि थोड़ा सा पेंडुलम मेंटेन करके सभी को रखना होता है, हाईकमांड को भी सभी को कंसिडरेशन में रखना होता है, सब कुछ है और सभी, ऐसी कोई बात नहीं है किसी हालत में। पर कई बार ये होता है कि प्रोसेस में लेट हो जाता है क्योंकि चुनाव नज़दीक नहीं है, इसलिए है वो कहते हैं कि पर संगठन बनना चाहिए। नए प्रभारी के आने से क्या नया मिलने वाला है हरियाणा कांग्रेस? नहीं, नए प्रभारी आएंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनका क्या इनिशिएटिव रहता है, उनका क्या सुना ये है कि बहुत कर्मठ और एक एक्टिव और प्रोएक्टिव आदमी हैं और स्टेट को आगे ले जाके और सब नेताओं को इकट्ठा करके और सबको साथ लेके आगे चलेंगे और निश्चित रूप से आप भी घूमते हैं सब कुछ देखते हैं, निश्चित रूप से कांग्रेस सत्ता में आ रही है और लोगों का मन बदल चुका है काफ़ी, बदल तब तो दिनों के इंतज़ार कर रहे हैं लोग।
शुक्रिया बात करने के लिए। तो बीबी बत्रा साहब हमारे साथ थे। सीधे तौर पर ये कहना है कि नवनियुक्त प्रभारी आकर के जो बैठक है अलग अलग दौर की चंडीगढ़ के अंदर वो लेंगे। इसी के साथ साथ कांग्रेस का जो संगठन नहीं बना है वो खुद इस बात को मान रहे हैं कि इसका नुकसान हो रहा है, जल्द संगठन बनना चाहिए। अब नए प्रभारी आए हैं, उम्मीद की जा रही है कि जल्द संगठन होगा, जिस तरीके से बीबी बत्रा साहब ने भी बताया। लेकिन अब ये देखना होगा कि आखिर कांग्रेस कब तक संगठन को ला पाती है। और दूसरी तरफ अपने जन मिलन कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस जो है काफ़ी उत्साहित नज़र आ रही है और अगला कार्यक्रम करनाल में किए जाने की बात कर रहे हैं। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।